तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल 370 पर भारत के फैसले के विरोध में पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को रद्द कर दिया। इस रिपोर्ट में देखेगा। पाकिस्तान की कायराना हरकत, 370 हटने से बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने रोकी समझौता एक्सप्रेस। पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। ये पाकिस्तान की बौखलाहट ही तो है जो पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी करने की हिमाकत कर रहा है। लेकिन शायद पाकिस्तान इस बात को भूल चुका है कि पाक ने जितनी भी बार भारत की तरफ आंख उठाई उतनी बार उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना और बदले की भावना को काबू नहीं रख पा रहा। दरअसल जब से भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का नामो निशान मिटाया है, तब से पाकिस्तान बौखलाया और झल्लाया हुआ है। और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान की इमरान सरकार ने पहले भारत से व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि भारत उसकी गीदड़ भभकी से डरकर 370 पर फैसला वापस लेगा। जब पाक के मंसूबे कामयाब नहीं हुए तो उसने अब ऐतिहासिक समझौता एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया है। बता दें कि आज समझौता एक्सप्रेस को भारत आना था, लेकिन पाक ने ट्रेन भेजने से इनकार कर दिया। भारत पहले ही इस बात को साफ कर चुका है कि भारत के अंदरूनी मसलों में पाकिस्तान की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि आज विदेश मंत्रालय ने पाक को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपने फैसलों पर पुनर्विचार करे। 370 के खात्मे के बाद झल्लाया पाकिस्तान। भारत से व्यापार पर पाक ने लगाई रोक। पाक ने भारत से राजनयिक रिश्तों को किया सील। अपने राजदूत को वापस बुलाएगा पाकिस्तान। मसले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की दी धमकी। भारतीय विमानों के लिए पाक ने बंद किए वायु मार्ग। लेकिन पाकिस्तान की फितरत उसकी राजनीति पर आधारित है। जैसी राजनीति की मांग होती है पाकिस्तान वैसा ही करता है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर में हुए बदलाव की इजाजत भारत का संविधान देता है, और ये भारत का अंदरूनी मसला है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पाकिस्तान के नापाक इरादों पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा पड़ोसी किसी को ना मिले। जैसा पड़ोसी हमारे बगल में बैठा है, परमात्मा करे कि ऐसा पड़ोसी किसी को न मिले। घाटी में फिलहाल शांति है, जिसे पाकिस्तान खत्म कर वहां लोगों को भड़काना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, जिससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।